नमस्कार, मैं पूजा यादव लेकर हाजिर हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। सब्जी वालों, दुकानों में काम करने वालों से कोरोना का रिस्क, केंद्र ने राज्यों से कहा इनका टेस्ट करो। भविष्य के युद्ध की तैयारी कर रहा भारतीय सेना, जवानों को रोबोटिक्स और लेजर की ट्रेनिंग। फर्जी लाइसेंस खरीद वालों सावधान, आ रही है मुंबई पुलिस, अब तक 20 गिरफ्तार। अभिनेता सोनू सूद ने उठाई 4 अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी, बोले मैं पढ़ाऊंगा, आत्मनिर्भर बनाऊंगा। शराब घोटाले में SIT की रिपोर्ट पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री अनिल विज में टकराव। हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन तबादला नीति में किया बड़ा बदलाव, अब 300 कैडर पदों वाले विभाग में भी अब ऑनलाइन तबादला नीति होगी लागू। शराब कांड को लेकर राजभवन धरना देने जा रहे अकाली दल नेता गिरफ्तार, भाजपा और आप ने साधा कैप्टन सरकार पर निशाना। सच आया सामने, पटियाला अस्पताल में जिन कोरोना संक्रमित मरीजों को मृत बताया गया वे जिंदा है। अब खबरें विस्तार से। केरल के कोझिकोड में हुए प्लेन क्रैश में 18 यात्रियों की मौत हो चुकी है। इनमें से एक मृत यात्री कोरोना पॉजिटिव मिला है। अब सभी घायलों को आइसोलेट किया गया है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल सभी लोगों को कोरोना जांच कराने और सेल्फ क्वारंटीन में जाने को कहा गया है। थाना कलांवली पुलिस की टीम ने 2 दिन पूर्व कलांवली सुखचैन रोड से अज्ञात बाइक सवार युवकों द्वारा छीनी गई इनोवा गाड़ी को बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने इस मामले में 3 युवकों को भी काबू किया है, जबकि एक युवक अभी भी गिरफ्त से बाहर है। और ज्ञानचंद नाम का आदमी, इसका ड्राइवर था, वो नदी में नहाने के लिए गया था, तो उससे लूटी थी और ये हमने पकड़ ली है गाड़ी भी, और 3 मुलजिम भी राउंड अप हो गए हैं। ये उस दिन मैं भी गया था मौके पे, और फिर हमारे डॉक्टर श्री अरुण सिंह IPS DIG कम SP सरसा, उनसे इस बारे में काफ़ी डिस्कस किया, उन्होंने उनको बताया हालात और फिर उन्होंने अच्छी गाइडलाइन दी हमें। सोनीपत शराब घोटाले पर जांच को लेकर विपक्ष ने जमकर सवाल उठाए हैं, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जवाब देते हुए कहा कि हर चीज का विरोध करना ठीक नहीं। विज ने कहा SET ने अपनी रिपोर्ट हमें सौंपी है, जिस पर कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री को रिकमेंड कर दिया गया है, अभी कार्यवाही चल रही है। अब जब से कोरोना शुरू हुआ है सारी खेलें ही बंद हैं। अब इस बंद में दुपिंदर हुड्डा को कौन सा भेदभाव नजर आ गया, कौन सी गेम हुई है, कौन सी एक्टिविटी हुई है जो इनको भेदभाव नजर आ रहा है। हरियाणा की खेल नीति सारे हिंदुस्तान में सबसे बेहतर खेल नीति है। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वल्लभगढ़ शहर में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हुए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुज्जर, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक सीमा त्रिखा, नरेंद्र गुप्ता, नयनपाल रावत, राजेश नागर मौजूद रहे। कोई भी सरकार के अंदर जो काम होता है वो सिस्टम से होता है, व्यवस्था में से होता है। नहीं, हमको शिकायतें जो मिली उनके ऊपर एक SET बनाई गई, SET का अपना टाइम कोड पूरा हुआ, उन्होंने एक रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट जो कि होम डिपार्टमेंट की ओर से ये निर्देश दिया जाता है, वो रिपोर्ट उन्होंने उसका जो सब्सटेंस, जो भी सारांश है वो दिया है। अब उसकी रिकमेंडेशन जो होम डिपार्टमेंट की हैं वो हमारे पास आएंगी, बैठ करके उसमें से आगे क्या क्या करना है वो सारा विचार करके किया जाएगा। एक ही विषय कि भ्रष्टाचार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया। सीएम साहब, विषय किसी के मानने ना मानने का नहीं है, व्यवस्थाएं व्यवस्थाएं होती हैं, भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ, तो उसी के अनुसार व्यवस्थाएं बनाई। अब तक के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी ताजा खबरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए अर्थप्रकाश TV। अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताजा अपडेट्स, और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव